जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, गुप्त नवरात्र में करें ये आसान उपाय, घर में बनी रहेगी बरकत। माघ मास की गुप्त नवरात्र का आरंभ 28 जनवरी शनिवार से हो चुका है, जो 5 फरवरी रविवार को समाप्त होगी। मंत्र तंत्र शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्र में किए गए कुछ विशेष उपायों से धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आपकी कोई इच्छा भी अधूरी है तो आगे बताए गए उपायों से वह पूरी हो सकती है। ये उपाय इस प्रकार हैं। बरकत बढ़ाने का उपाय। नवरात्र में किसी भी दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें और उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद जो हम मंत्र बता रहे हैं उसे जाप करें, श्री ह्रीं श्री मां लक्ष्मी नमः। मंत्र का जप स्फटिक माला से ही करें। मंत्रोच्चार के साथ एक एक चावल इस शंख में डालें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। इस प्रयोग को लगातार 9 दिनों तक करें। इस प्रकार रोज एक माला जाप करें। उन चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिन के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रखकर तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर की बरकत बढ़ सकती है। धन लाभ के लिए उपाय। गुप्त नवरात्र के दौरान किसी भी दिन स्नान आदि करने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 ज्योत जला लें। ये ज्योत साधना काल तक जलते रहने चाहिए। ज्योत के सामने लाल चावल को रंग लें कि एक ढेड़ी बनाएं। फिर उस पर एक श्रीयंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्री यंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर लें और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। शीर्घ विवाह के लिए उपाय। नवरात्र में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा करने के बाद मंत्र का 3, 5 अथवा 10 माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र, ओम शम शंकराय सकल जन मार्जित पाप विध्वसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पति में देही कुरु कुरु स्वाहा। मन चाही दुल्हन के लिए उपाय। नवरात्र के दौरान जो भी सोमवार 30 जनवरी आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाए, वहाँ शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन, पुष्प एवं धूप दीप आदि से पूजा करें। रात 10 बजे बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दें। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जाप भगवान शिव के सामने करें। इससे शीर घी आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। मनपसंद वर के लिए उपाय। नवरात्र में अपने पास स्थित शिव मंदिर में जाएं, वहां भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं निवेद से उनका पूजन करें। अब मौली पूजा में उपयोग किया जाने वाला लाल धागा से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप 108 बार करें। हे गौरी शंकरा धागी यथा तम शंकर प्रिया
तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में माँ पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। इंटरव्यू में सफलता का उपाय। नवरात्र में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दें और इस पर केसर व इत्र छिड़क कर उसकी पूजा करें। इसके बाद धूप दीप और अगरबत्ती दिखाकर मंत्र 31 बार बोलें। इस प्रकार 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं। ये उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। मंत्र है, ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। दाम्पत्य सुख के लिए उपाय। यदि जीवन साथी से अनबन होती रहती है तो गुप्त नवरात्र में लिखी चौपाई को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियाँ दें। इससे यह चौपाई सिद्ध हो जाएगी। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय चौपाई को 21 बार सुने। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहें। चौपाई, सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहीं सब धर्म निरतशुति नीति। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।